विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला रही चंदा कोचर को ICICI बैंक द्वारा अब बर्खास्त भी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वीडियो कॉन घोटाले में फंसी चंदा कोचर के खिलाफ बैंक द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बैंक ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह कहा गया कि चंदा के बैंक से अलग होने को टर्मिनेशन फॉर कॉज माना जाएगा। इसका अर्थ यह है किसी वजह से नौकरी से निकाला जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो फैसला लिया गया है उसकी वजह से चंदा को मौजूदा तथा भविष्य में मिलने वाले सभी फायदे बंद हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह भी फैसला किया गया है कि अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक जो भी बोनस चंदा को मिला है उसे भी वापस बैंक वसूल करेगी। कुल मिलाकर विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला होने का दर्जा प्राप्त करने वाली चंदा कोचर के इस तरह से अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वे वीडियो कॉल घोटाले में फंसी हुई है। चंदा कोचर द्वारा इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा गया है कि मैंने बैंक में 34 साल तक पूरे अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ काम किया, लेकिन अब बैंक ने जो फैसला लिया है उससे उन्हें बेहद निराशा और तकलीफ हुई है। उनका यह भी कहना है बैंक द्वारा बर्खास्त किए जाने तथा बोनस तथा इंक्रीमेंट वसूल करने के फैसले पर भी उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि बैंक का यह फैसला ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।